मेरे साथी अतुल भाई और तमाम कांग्रेस के जो नेता यहाँ मौजूद हैं, बाहर भी गर्मी है अंदर भी गर्मी है। बचपन से एक शब्द हम सुनते आए, बाजार से पिताजी माताजी वॉशिंग मशीन लेने जाते थे तो वहां बहस होती थी आपस, ये वाली पे कितनी गारंटी। गारंटी शब्द बचपन से हम सबके दिमाग में चिपक गया, अटक गया। फ्रिज हो, टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, जो लेने जाएंगे हम पहले देखते थे कि साहब गारंटी कितने साल की। तो जब हम सामान खरीदते हैं उसमें गारंटी ढूंढते हैं, तो जब अपनी सरकार चुनेंगे तब तो गारंटी शब्द का क्या महत्व है ये हम भूल नहीं सकते। कांग्रेस ने प्रचार जो अपना किया है गारंटी शब्द का इस्तेमाल, सोच समझ कर। सबसे महत्वपूर्ण गारंटी जो मुझे इन सातों गारंटी में लगती है, क्योंकि मैं उदयपुर में पला बड़ा, घर की आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अंग्रेजी मीडियम स्कूल में डालने का एक निर्णय मेरे माता पिता ने लिया, तीनों भाई ने। पेट काट कर हम तीनों को उन्होंने अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाया, पुरानी बात, चार दशक पुरानी बात। इन लोगों को परेशानी क्या है कि गहलोत साहब ने अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल दिए तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके अपने बच्चे लंदन और न्यूयॉर्क में पढ़ते हैं और ट्विटर पे फोटो डालते हैं कि देखिए मेरी बेटी वहां से पढ़कर आई या वहां पढ़ने जा रहा है बेटा, लेकिन एक मजदूर किसान छोटे व्यापारी का बच्चा कहीं अंग्रेजी में बात करने लग जाए, राजस्थान का, इनसे मुकाबला करने लग जाए, इनकी आंखों में आंखें डाल के इनसे सवाल पूछने लग जाए तो उन्हें आपत्ति। बुला लीजिए अपने बच्चों को पहले लंदन और न्यूयॉर्क से, फिर बात करिए अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के खिलाफ। ढोंग देखिए, ये दोगलापन देखिए, मेरे बच्चे तो पढ़ेंगे लंदन में लेकिन मेरे घर में जो काम करता है उसका बच्चा मजाल है कि किसी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में चला जाए। ये क्रांति जो गहलोत साहब लाए, जो कांग्रेस की सरकार यहां लाई राजस्थान में, मुझे लगता है वो क्रांति सब गारंटियों से ऊपर है। पूरा देश बात कर रहा है, 98 लाख परिवार अपने बच्चों को जिन अंग्रेजी स्कूल मीडियम स्कूल में भेजने लगे, सोचिए कि सामाजिक दृष्टि से एक नया बैलेंस बन रहा है जो निशक्त माने जाते हैं उनको शक्ति दी जाती है, उनकी अगली पीढ़ी को शक्ति दी जाती है। जब अगली पीढ़ी तक को शक्ति देने की बात हो जाए ऐसी सरकार को फिर से आना होगा। तवे पे जब रोटी होती है जल्दी पलट दो तो वो कच्ची रह जाती है, अभी रोटी पलटने का समय नहीं है, अभी रोटी को और पकना है। ये सरकार 5 साल फिर से दोहरानी है ताकि मेरे और आपके जैसे हमारे घर में जो काम करते हैं, जो ठेला चलाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, उनके बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ सकें। मैं आज सिर्फ एक गारंटी की बात करूंगा, क्योंकि ये गारंटी मुझे भावुक कर देती है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूं जहां दो वक्त की रोटी ना भी हो तो अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाया और उसका नतीजा हम तीनों भाई बहनों को मिला। ऐसे अगली पीढ़ी में निवेश किया जाता है, तो गहलोत सरकार ने अगली पीढ़ी में निवेश किया है, उसके जवाब में आपको इसी पार्टी में फिर से निवेश करना है ताकि रोटी पूरी पके। और वो लोग जिनको आपत्ति है अंग्रेजी माध्यम स्कूलों से, वो खुलकर सामने आए बताएं क्या आपत्ति है। आप यहां से बाहर जाकर पूछिए किसी भी दुकान वाले से, किसी भी रेहड़ी वाले से, किसी से पूछिए कि उसके मन में एक मुराद है कि उसका बच्चा अंग्रेजी या उसकी बेटी अंग्रेजी बोल सके।
दोगले नेताओं से ये सवाल पूछना चाहता हूं, आप अपने बच्चों को विदेश से वापस कब बुला रहे हैं कि नहीं पढ़ने देंगे अब, वो भी यहीं पढ़े, और अगर नहीं बुला रहे माफी मांगे राजस्थान के लोगों से, राजस्थान के बच्चों से, बच्चियों से, कि वो उनको अंग्रेजी माध्यम में नहीं पढ़ने देना चाहते, आखिर क्यों? इसका जवाब दें, नहीं तो वोटर जवाब देने को तैयार बैठा है। इसलिए वोट गारंटी पर, वोट इस क्रांति पर जो गहलोत सरकार यहां लाई है उसी पर पड़े। आपके सवाल ये पवन जी, मेरा सवाल ये है, एक जो त्रुटियां थी उन्हें दूर करके अब जिस तरीके से वो स्कूल खोले गए, त्रुटियां दूर करना हर सरकार का एक काम होता है, तो जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करके अब जिस तरह से अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स ना केवल खुले हैं, उनको जो रिस्पांस मिला है यहाँ के लोगों, उससे आपको मालूम पड़ता है कि एक दो मॉडल स्कूल खोलने से अच्छा जिस तरह से इन्होंने पूरे राज्य में, सर दूसरा अभी टीचर भी नहीं है, टीचर भी तो नहीं है, मुखिया अगर अपनी ही सरकार में खुलकर पारदर्शिता की बात करता है तो उसमें आपको आपत्ति क्यों होनी चाहिए? मुझे मोदी जी ने तो हिम्मत नहीं है कभी एनी जी को तभी तक नहीं हटा पाया। देखिए पारदर्शिता लाना, हमारे जहाँ से हम आए हैं अभी केंद्र सरकार वहाँ बैठी है, अभी महीना डेढ़ महीना पहले सीए जी की रिपोर्ट आई, पारदर्शिता की बात करते हैं, सीए जी की रिपोर्ट्स आने के बाद हमें और आपको क्या उम्मीद है कि कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई की गई उस पर भी जिन्होंने वो रिपोर्ट लिखी, ये अंतर है। तो आप अगर गहलोत साहब ने ऐसा कहा, ये सवाल उठाया, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा सवाल उठाया। पारदर्शिता लाना हर सरकार के मुखिया का राजधर्म होता, अंग्रेजी माध्यम स्कूल लाते हैं हम ये ढोंग नहीं करते, उनको हिसाब नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं जिनको आपत्ति है कि यहाँ के लोगों के लिए अंग्रेजी माध्यम स्कूल ना हो उनको जाने का हक नहीं, ये बहुत स्पष्ट है। एक लक्ष्मण रेखा तो हर पार्टी रखती है, हम भी रखते हैं, हमारी लक्ष्मण रेखा आप जानते हैं क्या है, लेकिन कई बार ये होता है कि कुछ लोग भूल सुधारना चाहते हैं, कुछ लोग मन उनका भर चुका होता है किसी विचारधारा से या किसी पार्टी से, वो आना चाहते हैं, ये होता है चुनाव में कमोबेश हर पार्टी में, ये तो भूलो माफ करो आगे बढ़ो की चीज थोड़ी पीछे हो गई, वो कई मौजूदा विधायकों के टिकट कट गए, आज वो आरोप लगा रहे हैं उसमें किरणलाल बेरवा भी है कि हमारे कट गए क्योंकि हम जीतावनी थे सर्वे में, मान लेते हैं, लेकिन जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ दगा की थी उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, क्या कहना है? टिकटों पर ज्यादा बोलूंगा तो बिना ज्ञान के बोलने का लाभ नहीं, मैंने सर्वे रिपोर्ट देखी ली, सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पर सबसे सलाह लेकर एक प्रक्रिया के तहत टिकटें बांटी जाती हैं, समय लगता है, जैसे हमें समय लग भी रहा है, लगना भी चाहिए, लेकिन वो समय सर्वे को अच्छी तरह से उसका विश्लेषण करके, कोई एक सर्वे नहीं होता, अलग अलग स्तर पे सर्वे होते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है, अलग अलग नेताओं से सलाह ली जाती है, सलाह मशविरा के पश्चात टिकटों का वितरण होता है। जीतने वाले हैं हमारे यहाँ, जाहिर सी बात है थोड़ा रोष तो होगा ना। सर अभी जैसे आपने कहा इंग्लिश मीडियम, आपके टॉपिक पे आते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में ना तो अभी बिल्डिंगें हैं आपने खोल दी, किराए पे कई जगह किराए पे चल रही है, कई जगह उधार की उसमें चल रही है, दूसरी ना टीचर है इंग्लिश पढ़ाने वाले, जब पढ़ाने वाले है नहीं तो फिर वो पढ़ेगा कैसे बच्चे और कैसे आगे बढ़ेगा? नींव डालते ही इमारत नहीं बढ़ेगी भैया, या तो माइक चला दो या आप लोग चुप हो जाओ, दोनों में से एक चीज को कर दो, नींव डालते ही तो इमारत नहीं बन जाएगी। आपने तो वही बात कर दी जो हमारे दिल्ली वाले गुजरात वाले दो बाबा कर दी 70 साल में, कुछ नहीं हुआ, तो नींव डालने के पश्चात इमारत बननी शुरू हो और मारामारी हो जाए, किताब भर्ती करवाइए,
सब लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूल में जाएं। जो रिस्पांस इस गारंटी का आया है, स्कीम का आया है, वो देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं कि लोगों के मन में ये है कि हमारे बच्चे अंग्रेजी में पढ़ेंगे। अब इमारत में एक फ्लोर बना, दो फ्लोर बने, तीन फ्लोर बने, समय लगेगा, काम शुरू हो गया। इसलिए कहा था रोटी पलट दोगे तो कच्ची रहे। जो काम किया है उसके बाद कुछ कहने को रह नहीं जाता। अभी मैं अभी सीएम साहब के साथ ही दिल्ली से आया, हवाई अड्डे पर जब हम उतरे और बाहर आ रहे थे तो एक फ्रॉड दंपत्ति ने सीएम साहब को रोका। जब हम आबू धाबी में रहते हैं, रहने वाले जयपुर के हैं, वोट देने आए, आपका काम इतना पसंद आया कि इस बार हमने सोचा हम आबू धाबी से वापस जयपुर आकर वोट दें अपना। इसके बाद न कहने को कुछ रह जाता है, न सुनने को कुछ। लेकिन प्रमुख मुद्दा यही है कि रोटी कच्ची कच्ची नहीं रहती। बोल दिया ना मैंने। वैसे आप लोगों को बधाई हो, 100 रुपए फिर बढ़ गया सिलेंडर। कैलाश मेघवाल जी ने भी कुछ कहा, ये कांग्रेस की रोटी पकाने की आप बात कर रहे हैं या मान जनता की रोटी की? भाई जनता अपनी रोटी सेके पड़ते हैं या कांग्रेस अपनी रोटी सेकने की फिराक में है? ये बातें यहाँ नहीं चलेंगी। राजस्थान में ऐसी कोई बात ही नहीं है। राजस्थान में विकास की रोटी है कि कच्ची न रह जाए। दावेदारी आप भी दिखा रहे थे पवन जी, उसका क्या रहा? अभी आप पार्टी का मैं तो कह रहा हूँ नाम ही नहीं मालूम। लोकपाल का आंदोलन मुद्दा क्यों बनाओ? लगता है सर ये सुनकर बनाइए मुद्दा बनाइए। आज मुद्दा क्या है? आज मुद्दा है 7 गारंटियों का मुद्दा। आज मुद्दा है चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। आज मुद्दा है अंग्रेजी माध्यम स्कूल रहे या न रहे। अरे हमारी 7 गारंटियों से बाबा जी हमारे जो दिल्ली वाले हैं गुजराती, वो कितने परेशान है देखिए। यहाँ आकर वो भी हमारी गारंटी इसकी बात करते। तो गारंटियों के अलावा और कोई मुद्दा है ही नहीं। अभी सुना भ्रष्टाचार की बात करती है विपक्ष, भाजपा का आरोप है कि सचिवालय में मेरे राज्य का माहौल बिगाड़ने की अनुमति मैं किसी को। कल पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर उत्तर प्रदेश के गुंडों ने पीटा। अरे अपना राज्य जाकर संभालिए ना। सुबोध कुमार सिंह पुलिस का एक अधिकारी था, उसकी हत्या कर दी गई, संभालिए ना। यहाँ आकर मेरे राज्य का माहौल क्यों बिगाड़? अपना राज्य संभलता नहीं है, चले आए यहाँ माहौल बिगाड़। राजस्थान की जनता जवाब देगी। सर कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत